हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानें छत्तीसगढ़ सरकार के राहत भरे फैसले। आमजन, किसान, मजदूर, गरीब, विद्यार्थी, महिला, सभी के लिए राहत का ऐलान किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। 31 मार्च 2020 का अपडेट है। यदि आपको अपडेट पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या फैसले हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग, 30 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी साझा की है। कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब परिवारों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल एक मुफ्त निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पर अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिनों का सूखा दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा। आप जानकारी ध्यान से समझिएगा और इसका लाभ जरूर लें। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों, गर्भवती शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को उनके घरों में जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया जाएगा, मतलब यह होम डिलीवरी होगी। राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजन को श्रमिक की छटनी नहीं करने और कोरोना या पीड़ित बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश के निर्देश दिए हैं। यानी किसी की छटनी नहीं होगी, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या फिर गवर्नमेंट संस्थान हो। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत एक मुश्त 2 माह का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है। फिर वहीं पर है पीडीएस वस्तुएं, धान की मिलिंग, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी सहित कई अन्य सेवाएं आवश्यक सेवा घोषित की गई है। आमजन को स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राजधानी रायपुर सहित सभी 28 जिला मुख्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित किए गए हैं। वहीं है पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों की सहूलियत के लिए राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं। वहीं है जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। अब जिला कलेक्टर अपने जिले में चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति कर सकते हैं। वहीं है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। अच्छी बात है, गुड न्यूज है। फिर खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति एवं उपलब्धता के लिए खाद्य उत्पादों से संबंधित सभी फैक्ट्रियों के नियमित संचालन की अनुमति होगी। मतलब जो भी फैक्ट्रियां, जो भी संस्थान खाद्य पदार्थ बनाते हैं उनका संचालन पूर्ण रूप से चालू रहेगा। फिर वहीं है राज्य में आवश्यक वस्तुओं के निर्माण, उपलब्धता, परिवहन, भंडारण एवं उनके सुचारू वितरण के लिए खाद्य एवं परिवहन विभाग का राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम 7 दिन 24 घंटे शुरू रहेगा। फिर वहीं पर है राज्य की हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद लोगों के लिए 2 क्विंटल चावल की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी ग्राम पंचायत में हो और आपको राशन की जरूरत हो, चावल की जरूरत हो, तो आप अपने पंचायत से ले जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हर पंचायत में 2 क्विंटल चावल की व्यवस्था की है। फिर है FCI के सहयोग से व्यापारी और आटा मिलों को निर्धारित दर पर गेहूँ की उपलब्धता। इसमें ये कहा गया है कि ज़्यादा आप रेट ना लें, इस लॉकडाउन में आपको सही मूल्य निर्धारित कर आटा देना होगा ग्राहकों को। फिर है खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकानें और पशु कुक्कुट आहार और फीस फीड का परिवहन लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा। फिर वहीं है दूध सब्जी की दुकानों के साथ अनाज मंडी और पेट्रोल पंप जैसे पहले खुले रहते थे वैसे ही खुले रखने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। फिर वहीं है सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यदि आप किसी भी संक्रमण से संक्रमित हैं और आपके परिजन भी अस्पताल में जाते हैं तो उनको भी भोजन दिया जाएगा, वह भी निःशुल्क। फिर है राज्य के भिखारियों एवं निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। फिर है लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में 62,172 गरीबों और ज़रूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा इस लॉकडाउन में, अच्छी बात है। फिर संकटग्रस्त श्रमिकों को 68 लाख रुपए की त्वरित सहायता और 15 लाख रुपए एडवांस वेतन दिलाया गया है। फिर है सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले श्रमिकों को राज्य की सीमा पर सुविधाजनक स्थान जैसे स्कूल, आश्रम, हॉस्टल आदि स्थानों में भोजन, ठहरने और स्वास्थ्य जाँच की संपूर्ण व्यवस्था की है। कलेक्टरों राहत शिविरों के लिए RBC 64 से व्यवस्था के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने।
और वहीं दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए वहीं पर की आवश्यकता व्यवस्था और उनके खातों में नकद की व्यवस्था भी की है। मतलब जो छत्तीसगढ़ का नागरिक है दूसरे राज्य में फंस गया है तो सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके, मुख्य सचिवों से बात करके उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उनके अकाउंट में पैसे भेजने की भी व्यवस्था की है। तो अच्छी पहल है। लॉकडाउन के दौरान बंदियों की संख्या कम करने, सजा पूरी कर चुके पेरोल और अंतरिम जमानत पर 390 कैदी रिहा किए सरकार ने। फिर वही है, कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं अन्य आवश्यकता व्यवस्था के लिए विधायक नीति से सहायता भी दी है। फिर राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन नए वित्तीय वर्ष के पहले ही सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। किसानों को जरूरी एहतियात के साथ अपनी बाड़ियों और खेतों में काम की अनुमति, ताकि शहरी इलाकों में भी सब्जियों और जरूरी चीज़ों की आपूर्ति हो सके, इसके लिए उनको छूट दी है। फिर लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम और कालाबाजारी पर भी कड़ाई से रोक लगाई है। और वहीं दैनिक मजदूर और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आमजन से सहयोग की भी अपील की है। तो इस प्रकार से फैसले लिए हैं जो सभी से जुड़े हुए हैं, सभी को इससे लाभ होगा। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए